सुमिल पटेल SMS किया है, भैया ऐसा कोई बिजनेस आइडिया बताइए जो बिजनेस में कभी लॉस नहीं होगा, मेरा प्रोडक्ट अगर 6 महीने तक भी घर में पड़ा रहेगा वो भी खराब नहीं होगा, मैं जब भी चाहूँ बंद कर सकता हूँ, जब भी चाहूँ बिजनेस चालू कर सकता हूँ। तो सुमिल ऐसे तो बहुत सारे बिजनेस आइडिया है जो इसका प्रोडक्ट आप 6 महीने से साल तक भी घर में रख दोगे तो भी खराब नहीं होता है, तो आप अगर पामपूजी में ऐसा कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप टेप का बिजनेस कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक टेप है उसका बिजनेस कर सकते हैं। तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कमेंट्स करने के लिए, ऐसे सुमित के जैसे और कोई भी कमेंट्स करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स करना, मैं हर एक वीडियो में हर एक किसी का कमेंट्स पढ़ के उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थ्री डी कस्टमर यूट्यूब चैनल, मैं सम्राट विश्वास आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। फ्रेंड, बाजार में जो टेप इलेक्ट्रिक टेप 10 रुपये में खरीद के लाते हैं कि आपको पता है वो सिर्फ 4 रुपये में बनते हैं, और अभी का टाइम पे लाइट नहीं है, ऐसा कोई मौका ढूंढ के भी नहीं मिलते, तो जो घर में लाइट है उसमें टेप का भी जरूरत पड़ते है, और जो चीज 4 रुपये में बनते वो 10 रुपये में खरीद के लेके जाते, तो क्यों ना आप भी ये बिजनेस बहुत ही आसानी से चालू करें, क्योंकि ये बिजनेस चालू करने में आपको ज्यादा पैसा का ज्यादा मूलधन का जरूरत नहीं पड़ते, कम पैसा से चालू कर सकते हैं, और इसके बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। आपको अगर होलसेल रेट बता दूं, आप सिर्फ 4 रुपये में एक टेप बना सकते और ये होलसेल में 6 रुपये में बिक सकते, मतलब लगभग 1.5 से 2 रुपये हर टेप में आप कमा सकते, वो भी होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर पास से सेल करके। तो आप अगर रिटेलर के पास सेल करोगे तो और भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, ज्यादा सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर का पास में देना ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड, आप अगर सीखना चाहते हैं कैसे आप एक टेप बनाने का बिजनेस चालू कर सकते, मशीन कहाँ पे मिलेगा, रॉ मटेरियल कहाँ पे मिलेगा, ये कैसे बना सकते, किसके पास आपको सेल करना है, तो वीडियो को बिना स्किप करके आखिर तक देखते रहिए, और आखिर में आपका ऐसे एक बिजनेस टिप्स दूंगा जिसको आपका बिजनेस ने अप्लाई करके जल्दी से जल्दी आपका बिजनेस को ग्रोथ कर पाओगे। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले, आप अगर मेरा चैनल में पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करें। तो फ्रेंड देख लीजिए, इस मशीन से आपको इलेक्ट्रिक टेप बनाना पड़ेगा, ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, मतलब आधा मशीन ने करेगा आधा आपको करना पड़ेगा। अब जो स्टेप देखा मैं इसके अंदर घुसाया, तो ये स्ट्रिप आपको मिलेगा बाजार में 240 से 300 रुपये में। आप अगर लो क्वालिटी का बनाओगे तो 240 में, अगर हाई क्वालिटी का बनाओगे तो 290 से लेकर 300 रुपये तक आएगा। तो ये यूज करना बहुत ही आसान है फ्रेंड, कोई भी इसको बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो एक रोल है, एक रोल में आपको 70 से 75 स्टेप बन जाएगा। आप देख सकते हैं आपका सिर्फ इतना ही काम है, ये जो रोल है घूमते रहेगा, आपको सिर्फ प्रेस करना है और काटना है। तो आप जैसे देखा था, और इस मशीन में यूज होता है 1 हॉर्स पावर का मोटर, जो आपका घरुआ लाइट से भी चल जाता है, आपको अलग से अर्निंग करने का जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं सिर्फ दोनों हाथ का काम पे लाएगा आपको, एक हाथ में आपको साइज कंट्रोल करना है, दूसरा आपको प्रेस करना है। तो ये जो रोल बाजार में आते हैं, जो स्टिक आप देख रहे हैं, ये पूरा रेडी होके ही आते हैं, मतलब आप सिर्फ काट करना है बाजार में बेच देना, आपको बीज में कोई काम करने का जरूरत नहीं है, आपको दूसरा कोई रॉ मटेरियल की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको जो रोल आएगा वो काटना और आपका टेप ऐसे ही बांध के रेडी हो जाएगा, आप उसी टाइम बाजार में जाके बेच सकते हैं। तो आप देख सकते फ्रेंड, इधर में मेरा जो लेफ्ट हैंड है उसमें आपको साइज कंट्रोल करना पड़ेगा, एक बार घुमाओगे तो साइज अपना आप जगह पे चला जाएगा, तो आप अगर हाथ लगाओगे देखोगे तो और भी अच्छा करके समझाओगे। ये सिर्फ इतना ही प्रेस करना, तो ऑटो साइज सिलेक्ट कर लेते हैं, और आपको राइट हैंड से सिर्फ पुश करना है। आप देख सकते हैं कैसे मैं पुश कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से साइज और राइट हैंड से आपको पुश करना। तो फ्रेंड कोई भी एक बार भी देख लेगा तो भी कर पाएगा, कोई बड़ा बात तो है नहीं। तो पहले तो आपको 70 से 75 टेप बनाने में 2-1 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे, थोड़ा टाइम से आप कर पाओगे, तो आपको सिर्फ 1 मिनट से 1.5 मिनट का अंदर ये पूरा रोल आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब 70 से 75 स्टेप आप 1 से 1.5 मिनट का अंदर ही बना सकते हैं। सिर्फ एक ही कलर नहीं, आप कोई भी कलर इधर से चूज कर सकते हैं, कोई भी कलर का रॉ मटेरियल आप मंगा सकते हैं, और कोई भी साइज आप 7 mm से लेके 18 mm तक बना सकते हैं, वो भी एक ही मशीन का अंदर। तो आपको सिर्फ डाई चेंज करना पड़ेगा, जो टेप जब बनाना है उसका डाई लगा के फिर चालू कर देना। तो फ्रेंड इतना ही काम है, बस काटिंग करना और आपको निकाल देना, और आप आपका टेप बाजार जाने के लिए रेडी हो गया, आप बाजार में सेल कर सकते हैं।
तो फ्रेंड आपने देख लिया कैसे टेप पेपर टेप आप बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे आपको भी बनाना पड़ेगा। तो आप आते हैं, आपको मेशिंग कहाँ पे मिलेगा? तो फ्रेंड मेशिंग जहाँ पे मिलेगा उसका पूरा एड्रेस, उसका मोबाइल कॉन्टैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, तो उधर जाकर आप डायरेक्ट उनके साथ बात कर सकते हो, कंपनी वाले के साथ। तो अब बताते हैं रॉ मटेरियल आपको कहाँ पे मिलेगा। फ्रेंड इसका जो रॉ मटेरियल आते हैं हर जगह पे अवेलेबल नहीं रहते, तो जिसके पास आप मशीन खरीदोगे वो पूरा जानकारी दे देगा कहाँ से आपको रॉ मटेरियल खरीदना है। तो आप बताते फ्रेंड एक जो स्ट्रिप आपने देखा है कि स्ट्रिप आपको मिलते 240 रुपये से 300 रुपये का अंदर, तो एक टेप का अंदर आप 70 से 75 टेप तक बना सकते हैं। तो आपको अगर लो क्वालिटी का बनाना है तो 240 रुपये में आपको स्टिक मिल जाएगा, फिर हाई क्वालिटी का बनाना है तो 300 रुपये में आपको स्टिक मिल जाएगा, जिससे आपको 70 से 75 टेप मिल जाते हैं। तो फ्रेंड बाजार में जो 10 रुपये में आप टेप खरीद के लाते वो ज़्यादातर 7 mm का होता है, लेकिन बाजार में 7 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm तक टेप मौजूद है। तो आप भी कोई अलग अलग डिफरेंस साइज बना सकते हैं एक ही मशीन से। तो फ्रेंड जैसे कि मैं बताया था वीडियो का आखिर में, आपको ऐसे टिप दूंगा जो आपको ये बिजनेस ग्रोथ करने में बहुत ही मदद करेगा, तो वो ये है फ्रेंड बाजार में जो ज़्यादातर बिकते वो 10 mm का टेप होता है। तो हर कोई कंपनी 10 mm का टेप ज़्यादातर बाजार में लाते। तो फ्रेंड जो 15 mm का, 18 mm का, फिर 12 mm का जो टेप आते हैं वो बाजार में अवेलेबल नहीं रहते, तो उसका डिमांड का ही ज़्यादा रहते। तो आप अगर 7 mm का टेप का साथ साथ 10 mm, 12 mm, 15 mm, फिर 18 mm का टेप भी बाजार में आते तो वो बिकने का चांसेस, वो सेल होने का चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते। तो फ्रेंड आप अगर पहले पहले चालू कर रहे हैं तो आप खुद रिटेलर के पास भी जाके भी सेल कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, आपको ऐसा लग रहा है होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़े उसके पास से ज़्यादा सामान एक साथ में सेल कर पाओगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाओगे तो आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाएगा, तब आपका बिजनेस अपना आप ग्रोथ होने लग जाएगा। तो फ्रेंड आप अगर इस बिजनेस के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करें, मैं आपको हेल्प करने का पूरा कोशिश करूँगा। और ये वीडियो आप वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं और ऐसा कोई नया नया तरीका ढूंढ रहे हैं। तो फ्रेंड आप अगर इसी तरह वीडियो देखना हमेशा पसंद करते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, बेल आइकन को भी दबा सकते हैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप अगर इसी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आइडिया देखना पसंद करोगे तो मेरा चैनल का अंदर जाके भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहना, नमस्कार।